हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम जीपीओ के बारे में जानेंगे। जीपीओ क्या होता है? जीपीओ स्टैंड फॉर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ये हमारे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट पे सिक्योरिटी लगा सकते हो, जिसके थ्रू अक्रॉस डोमेन आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी डेटाबेस होता है जहाँ से आप किसी डोमेन पे एक सिक्योरिटी जो लगाते हो, जो सिक्योरिटी पॉलिसी लगाते हो, जो जीपीओ लगाते हो, वो सभी क्लाइंट्स कभी सभी कंप्यूटर या सभी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। कंट्रोलिंग यूजर्स इन कंप्यूटर्स थ्रू जीपीओ, यूजर्स को राइट्स देना, यूजर्स को राइट देने का इन द सेंस कि कंप्यूटर को शट डाउन कर पाए कि नहीं, रिस्टार्ट कर पाए कि नहीं, कंप्यूटर्स में TCP/IP से रिलेटेड चेंजेस कर पाए कि नहीं, ऐसे ढेरों सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम जीपीओ को और अच्छे से समझ लेते हैं कि जीपीओ होता क्या है। इसके लिए मैं अपने इस पेंट पे लाता हूँ। कंसीडर करिए, ये हमारा एक नेटवर्क है और यहाँ विंडोज का डोमेन बना है। ये हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है और एक ये पूरा हमारा फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में हमारे पास, अगर हम मान के चलते हैं, हमारे एक ही डोमेन कंट्रोलर है। अब इस डोमेन कंट्रोलर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो विंडोज का है, मीन्स विंडोज सर्वर है, सर्वर 2008 या उससे हायर वर्जन का है, उससे लोअर वर्जन का भी सर्वर हो सकता है। लगभग सभी सर्वर पे हमारी जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, फीचर सिक्योरिटी पॉलिसी अवेलेबल है। इसके थ्रू आप जो भी सर्वर से अप्लाई करते हो सेटिंग्स, या तो आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे किसी किसी ग्रुप को आप चाहो सेलेक्ट कर लो, किसी किसी चाहे OU को आप सेलेक्ट कर लो, किसी किसी साइट्स को आप चाहे सेलेक्ट कर लो, या किसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर को सेलेक्ट कर लो। जिस जिस किसी को भी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, उस ऑब्जेक्ट पे आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो और वो पॉलिसी उस ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई इन द सेंस, सपोज दैट डोमेन कंट्रोलर चाहता है कि उनके क्लाइंट्स अपना पासवर्ड हर महीने में चेंज करें, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए पॉलिसी लगा सकता है। पासवर्ड का मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कैरेक्टर लेंथ कितना हो ये भी अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम पासवर्ड येस कितना हो, मिनिमम पासवर्ड येस कितना हो। साथ ही साथ जीपीओ के थ्रू वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि मान के चलते हैं कोई कंपनी है और इस कंपनी को कुछ सॉफ्टवेयर की नीड्स रहती है। हम मान के चलते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारी टैली है। कंसीडर कि टैली सॉफ्टवेयर है, सभी क्लाइंट्स मशीन पे टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। 2, 4, 10 कंप्यूटर के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटर 2, 4, 10 कंप्यूटर में जाएगा और वन बाय वन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। लेकिन ये केस तब दिक्कत भरा हो सकता है जब हमारे पास 100 से अधिक या 1000 क्लाइंट्स कनेक्टेड हों हमारे एक डोमेन कंट्रोलर के साथ, या एक हमारे फॉरेस्ट में या हमारे नेटवर्क में। हम थ्रू जीपीओ सिर्फ सर्वर पे वो सॉफ्टवेयर लिंक करेंगे, जीपीओ के थ्रू पब्लिश करेंगे या साइन करेंगे। जब क्लाइंट अपने कंप्यूटर से लॉगिन होगा तो अपने आप सभी क्लाइंट्स जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स को डेस्कटॉप से रिलेटेड चेंज करने के लिए प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंट इन द सेंस बैकग्राउंड चेंज न कर पाएगा, डेस्कटॉप्स के आइकन्स, डेस्कटॉप्स के मीनू, डेस्कटॉप्स के आइकन डिलीट नहीं कर पाएगा या एडिट नहीं कर पाएगा। ये भी हम जीपीओ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो थीम अप्लाई करने से रोक सकते हो, और भी ऐसी ढेरों पॉलिसीज थ्रू जीपीओ हम अप्लाई करते हैं। तो जीपीओ आप चाहे किसी ग्रुप पे लगा सकते हो, जीपीओ आप किसी OU पे लगा सकते हो, जीपीओ आप किसी साइट पे लगा सकते हो,
जीपीओ आप इंटायर डोमेन कंट्रोलर पे लगा सकते हो या इंटायर फॉरेस्ट पे लगा सकते हो। एक बार जीपीओ किसी यूजर पे आपने लगा दिया, तो अगर बेसिकली हम यूजर और कंप्यूटर की यहाँ पे लेकर बात चल रहे हैं, तो यूजर पे जब हमने लगाया तो यूजर किसी भी मशीन में जब लॉगिन होगा तो उस यूजर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज लगी है उस मशीन पे अप्लाई, यानी उस यूजर पे अप्लाई हो जाएंगी। सपोज दैट इस यूजर को बैकग्राउंड का थीम, डेस्कटॉप का थीम या कंप्यूटर का थीम चेंज करने के लिए प्रिवेंट किया गया है, डिनाई किया गया है, तो चाहे जिस भी कंप्यूटर से वो लॉगिन होगा वो थीम सप्लाई नहीं कर पाएगा। जबकि यही चीज़ अगर हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वो पॉलिसी लगाते हैं, यहाँ पे हम चाहे कंप्यूटर पे लगाएं चाहे यूज़र पे लगाएं, अगर हम कंप्यूटर पे लगाते हैं तो इस कंप्यूटर पे कोई भी यूज़र लॉगिन होगा, भले ही उस यूज़र को थीम चेंज करने के लिए एक्सेसिबिलिटी है, वो थीम को चेंज कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बार इस कंप्यूटर पे वो पॉलिसी अप्लाई गई है, अप्लाई की गई है कि इस कंप्यूटर्स में जो भी यूज़र लॉगिन होगा यानी कंप्यूटर को चेंज करने की कोशिश करेगा, थीम को चेंज करने की, तो वो नहीं कर पाएगा। आप मोटे तौर पे ये कह सकते हो कि एक डोमेन कंट्रोलर के थ्रू आप अपने फॉरेस्ट को, डोमेन को, अपने ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर कर सकते हो थ्रू जीपीओ। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है और यहाँ पे ढेरों जीपीओ हैं जिस जीपीओ के थ्रू आप कर सकते हो। तो जीपीओ आप चाहो कि क्लाइंट एंड से भी लगा सकते हो, जीपीओ सर्वर से भी लगता है, जो क्लाइंट एंड से लगता है वो एक मशीन पे अप्लाई होगा। कंसीडर मैं इस क्लाइंट्स के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो जाऊं और वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी रन कमांड चला के थोड़ा सा मैं उसे दिखा देता हूँ। सपोज दैट जिस मशीन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, ये कोई किसी भी डोमेन का मेंबर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, यहाँ पर भी वो पॉलिसी होती है। तो आप विंडोज के साथ आर प्रेस करिए और सिक पॉल डॉट MSC इंटर हिट करिए, तो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स आपका खुल जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे भी पॉलिसीज लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम जीपीओ की जब बात करते हैं तो जीपीओ एक सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी लगाया जाता है, यानी कि जो भी क्लाइंट्स होंगे वो सब पे अप्लाई हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि जीपीओ क्या है। जीपीओ स्टैंड फॉर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, एक डोमेन कंट्रोलर एंटायर फॉरेस्ट पे, एंटायर डोमेन पे, साइट्स पे या ओयू पे या ग्रुप पे पॉलिसी लगा सकता है। ये पॉलिसी कई प्रकार के होते हैं, पासवर्ड रिलेटेड पॉलिसी हो सकता है, कंप्यूटर्स में राइट्स देना कि कंप्यूटर शटडाउन कर पाए कि नहीं, TCP/IP सेटिंग चेंज कर पाए कि नहीं, और ऐसी ढेरों सेटिंग्स के लिए जीपीओ रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके थ्रू आप जीपीओ अप्लाई कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जीपीओ बनाते हैं, कैसे लिंक करते हैं और क्या उसका फीडबैक होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।